हेलो भैया, वो मिला? एक मिनट रेखा, एक गिलास पानी ला दो प्लीज। हेलो, हाँ मैं उससे मिला था, सब ठीक है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराऊं कैसे नहीं भैया, बताइए ना क्या हुआ। तुम्हें यही खराबी है कि तुम कुछ सुनती नहीं हो। अब तुम आराम से घर में बैठे रहो, मैं कल आकर सब कुछ समझा दूंगा। ओके, चलिए। डॉक्टर संदीप कुमार, तुम्हारी कार में एक बैग रख दिया गया है जिसमें 5 करोड़ रुपए की कोकीन है। ये बैग लेकर सीधे तुम टाउन हॉल जाओगे, जहां एड्स के बारे में डॉक्टर्स की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है जो तुम भी अटेंड करने वाले हो। वहां तुम्हें सिंगापुर के डेलीगेट डॉक्टर चार्ल्स ब्राउन मिलेंगे, जो हमारे ही आदमी हैं। ये बैग तुम उनके हवाले कर दोगे। तुम्हारे ऊपर किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि तुम इस शहर के एक बहुत इज्जतदार डॉक्टर हो और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी मुट्ठी में है। जाओ। पहले मुझे वो कैसे दो? बेवकूफी की बातें मत करो डॉक्टर, पहले हमारा काम करके आओ और फिर कैसेट ले जाओ। ये डायनामाइट है हरामजादे, ये इतनी ताकतवर है कि इसके फटते ये भी नहीं पता चलेगा कि ये बिल्डिंग यहां पर थी या नहीं। अगर ये इस हालत में भी मेरे हाथ से गिर गई तो भी ये फट जाएगी। अपने कुत्तों से कहें कि वो अपने हथियार फेंक दे, जल्दी फेंको हथियार फेंको, जल्दी से वो कैसे मेरे हवाले करो, वरना मैं तो मरूंगा ही, साथ में तुम सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी। लाओ वो कैसे मेरे हवाले कर दो जल्दी। Hey!
वापस चलो वापस। रंजीत हियर। सर संदीप गिरफ्तार करके लाया गया है। संदीप गिरफ्तार करके लाया गया है। मैं अभी आता हूं। क्या हुआ? संदीप 2 करोड़ की कोकी के साथ पकड़ा गया है। ये कमबख्त इस चक्कर में कैसे पड़ गया? हेलो हॉल्डर साहब, आपके लिए चाय बगैर शक्कर की। हेलो बांदेकर साहब, काशी भाई कहाँ है? उधर है। अगर मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो अगली बार इसकी मौत की खबर तुम्हें मिलेगी। संदीप, ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? तुम्हारी कार में ट्रक से भरा हुआ बक्सा कैसे मिला? कहां से आया तुम्हारे पास वो बक्सा? रंजीत, मेहरबानी करके इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो। देखो संदीप, मैं कौन हूं तुम्हारा? तुम्हारा दोस्त हूं ना, भाई हूं ना तुम्हारा। सारा शहर हमारी दोस्ती की कसम खाता है। क्या एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त से कोई बात छुपा सकता है? वो कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे बता दो संदीप, प्लीज मुझे बता दो। संदीप, तुम्हारी खामोशी हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। हम किसी के सामने सर उठा के नहीं चल सकेंगे। मैं मजबूर हूं रंजीत, इस मामले में मुझसे कुछ मत पूछो। ठीक है, ठीक है। तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो ना, तो ना बताओ। कम से कम रेखा बिल को तो बताओगे। मैं अभी उन्हें लेके आता हूं। हेलो। हेलो भाभी, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। क्या रेखा भाभी आपके आई है? नहीं तो क्यों, क्या बात है? नहीं, सुबह से उनका कुछ पता ही नहीं है। कुछ पता नहीं, हे भगवान। अगर वो आपके आए तो मुझे फोन कर दीजिए। मैं संदीप क्या हूँ, मैं रंजीत को भी इन्फॉर्म करता हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। संदीप भैया पे ये सब जुल्म मेरी वजह से हो रहे हैं। मैं क्या करूँ, मेरी वजह से सारा खानदान बर्बाद हो रहा है। संदीप भैया ने मुझे कसम क्यों दी, क्यों दी मुझे कसम? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रेखा बहन, रेखा बहन। रंजीत, कहां तुम यार? मैंने तुम्हें कितने फोन किए। मालूम है संदीप गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ। क्यों? उसके पास 2 करोड़ की कोकीन मिली है। मैंने उसे कितना पूछा, कितना इस्तराह किया, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। रेखा बहन को ले चलते हैं, शायद वो उन्हें कुछ बता दे। रेखा भाभी खुद ला पता है रंजीत। हाँ, सुबह से गायब है, तुम्हारे घर पे भी नहीं है। सब जगह पूछ लिया, कहीं पता नहीं चल रहा। उधर संदीप गिरफ्तार हो गया, इधर रेखा भाभी गायब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, रेखा बहन का गायब होना भी उसी सिलसिले की कड़ी है। किस सिलसिले की? पहले एक मर्डर हुआ, संदीप ने किसी को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला, फिर उसके पास करोड़ों की कोकीन मिली। वो कोकीन उसके पास कहां से आई ये बताने से वो इनकार कर रहा है, और अब रेखा बहन लापता हो गई। साफ जाहिर है, साफ जाहिर है कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन किस लिए ब्लैकमेल कर रहा है? वो कौन सा दबाव है उसके ऊपर जिसकी वजह से वो बार बार अपने जान जोखिम में डाल रहा है? वो किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो लता? संदीप तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है? हाँ रंजीत, उस दिन कत्ल के केस में तारा ने संदीप भैया की बीवी के साथ बलात्कार करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मेरे साथ बलात्कार किया था। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही रंजीत।